आखिर में एक बार फिर से नक्सलियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। नक्सलियों ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मलांज कुडूम घाट में नक्सलियों ने पेड़ काटकर रास्ता बंद कर दिया। नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह मनाने की अपील की है, इसके लिए उन्होंने बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। टीचर हैं सर जी, और ऐसा हम लोगों के साथ ना मतलब होता ही रहता है। इस एरिया में काम करते हैं तो मैं 10 साल से इस एरिया में काम कर रही हूँ, और यहाँ पर ऐसा मतलब हर एक दो महीने में ऐसा होता ही रहता है। इधर के आने जाने वालों को रोड तो खराब है ही है, लेकिन ऐसा वाला प्रॉब्लम हमेशा। इस वक्त हम मौजूद हैं कांकेर से आमाबेड़ा जाने वाली मुख्य मार्ग मलांज कुडूम घाट पर, जहाँ पर नक्सलियों के द्वारा आज बैनर पोस्टर लगा दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ वो मार्ग है आमाबेड़ा जाने वाली जहाँ पर नक्सलियों के द्वारा आज बैनर पोस्टर लगाई गई है। साथ ही यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा एक बैनर लगाई है, वहाँ पर लिखा है जनताना का अधिकार करें, पीएलजीए सप्ताह इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। साथ ही नक्सलियों के द्वारा यह ऐलान है 2 दिसंबर 2020 से लेकर 1 दिसंबर 2021 तक जोश खरोश के साथ मनाने की अपील की है। वहीं एक साल तक नक्सलियों के द्वारा पीएलजीए सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसे लेकर इस क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी दहशत बना हुआ है। कांकेर से सुशील सलाम, स्वराज एक्सप्रेस। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाता सुशील सलाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, नक्सलियों द्वारा अपनी बात को रखने के लिए बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे, उन बैनर पोस्टर में क्या लिखा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र और आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के मध्य का मामला है, जहां पर नक्सलियों के द्वारा बीती रात लगभग 5 से 7 पेड़ काटकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। मार्ग अवरुद्ध होने के बाद इस क्षेत्र के ग्रामीणों में कहीं ना कहीं दहशत बना हुआ है, वही ग्रामीण सहमे हुए हैं। साथ ही नक्सलियों के द्वारा पीएलजी सप्ताह का 20वीं वर्षगांठ मनाने की ग्रामीणों से अपील की है। वही यह पीएलजी सप्ताह एक साल तक लगभग 2 दिसंबर से 1 दिसंबर 2021 तक लंबी अवधि मनाने की अपील की गई है। साथ ही नक्सलियों के द्वारा यहाँ पोस्टर लगाई गई है, पोस्टर में यहाँ लिखा गया है कि पीएलजीए सप्ताह जोर शोर से क्षेत्र ग्रामीण मनाए। साथ ही कृषि बिल पर उन्होंने विरोध किया है। सुशील, लेकिन मार्ग को सुचारू रूप से दोबारा शुरू करने को लेकर क्या प्रशासन ने कोई मदद की ग्रामीणों की, या फिर ग्रामीणों ने खुद ही इस पर कोई कदम उठाया? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन न ही जिला प्रशासन की टीम उस मार्ग में अब तक पहुंची हुई है। वही ग्रामीण अपनी सुविधा को लेकर वह टैक्सी चालक इस मार्ग में चलने वाले जिन्होंने इस मार्ग में बड़े बड़े पेड़ नक्सलियों के द्वारा काटे गए थे, जिन्हें उनके द्वारा काटा गया और मार्ग से हटाया जा रहा है। साथ ही लगभग अभी 2 से 3 पेड़ और बाकी हैं, जिन्हें भी इन ग्रामीणों के द्वारा ही पेड़ को हटाई जाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन को इसकी अब तक भनक नहीं लगी है, शायद तब तक। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील।